सीएचयू पेपर लीक मामले को लेकर जो विवाद शुरू हुआ था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन पहले अधीनस्थ बोर्ड और एसओजी में भी इसे लेकर परिवाद दर्ज करवाया गया। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएचओ फेडरेशन के संरक्षक भरत बेनीवाल ने कहा कि परिवाद में दिए गए सबूत पेपर निरस्त के लिए पर्याप्त है। बोर्ड जल्द पेपर को निरस्त करने का निर्णय ले और इसके लिए कल सभी कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे और जब तक पेपर निरस्त नहीं होगा आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि पेपर आउट होना मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अलवर में बजरंग दल प्रांत संयोजक प्रेम सिंह राजावत को फोन पर धमकी मामले ने अब तूल पकड़ दिया है। इसे लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विवेकानंद चौक पर एकत्रित हुए और रैली निकालकर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में राजावत को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की गई है। पीड़ित प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि मोबाइल पर उन्हें धमकी भरा फोन आया कि हम तुम्हें घर में घुस कर जान से मार देंगे और तुम्हारी पुलिस भी हमें नहीं रोक पाएगी। अब इसी बात को लेकर अरावली विहार थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। कठुमर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बाबूलाल बैरवा ने अपने विधायक कोटे से 24 स्कूटी का वितरण समारोह अपने ही निवास पर आयोजित किया। इस दौरान दिव्यांगों और योजना में आने वालों को स्कूटी का वितरण किया गया। इस मौके पर विधायक ने बताया कि स्कूटी वितरण में विशेष जरूरतमंद लोगों का ध्यान रखा गया है ताकि वो अपने छोटे बड़े रोजगार और निजी कार्य कर सके। उत्तर प्रदेश के जनपद एटा में युवक का नहर किनारे शव मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वारदात की जानकारी उस समय मिली जब सुबह के समय आते जाते ग्रामीणों ने मृत अवस्था में युवक को देखा, जिसकी सूचना तत्कालीन धौली कला पुलिस को दी गई। आपको बता दें कि धौली कला थाना क्षेत्र के नगला खिल्ली में एक युवक कल शाम से ही लापता था, जहां आज सुबह मृत अवस्था में शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि अज्ञात हमलावरों द्वारा युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। सरकार की नीतियों को लेकर भैरोड़ विधायक बलजीत यादव की दौड़ लगातार जारी है। आपको बता दें कि बलजीत यादव ने युवा, बेरोजगार, किसान और मजदूर के हित के लिए 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाने का संकल्प लिया था। इसी को लेकर यादव ने जालोर में सैकड़ों युवाओं के साथ दौड़ लगाई। इस दौरान बलजीत यादव ने कहा कि जालोर की धरती पर वचन देकर जा रहा हूं। आज किसान, मजदूर, बेरोजगार और युवाओं के लिए जिस तरीके से आपने साथ दिया, कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो आप बता देना, तलवार की धार पर चल जाऊंगा। 22 तारीख से शुरू होने वाले खाटू श्याम के लक्खी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसे लेकर मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मेला व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान आपको बता दें कि जिला कलेक्टर ने पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग भी की और मेले की व्यवस्थाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। इस मौके पर जिले के एसपी करण शर्मा ने बताया कि अब की बार मेले में दर्शनों की सुगम व्यवस्था की है तथा मेले प्रांगण को 8 सेक्टर में बांटा है, जिनमें अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए हैं तथा हर सेक्टर पर एक एक प्रोटोकॉल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है ताकि मेले का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न करवाया जाए। सीकर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटन थाना अधिकारी के नाम से घूस लेते 3 वकीलों को ट्रैप कर लिया है। आपको बता दें कि एसीबी ने तीनों को 50,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों दबोचा। जानकारी के मुताबिक आरोपी 20,000 रुपए पहले ही ले चुके थे और कुल 1,00,000 रुपए में सौदा तय हुआ था। इन वकीलों ने दर्ज मुकदमे में मदद कराने के एवज में यह राशि मांगी थी। एसीबी ने सत्यापन के बाद आज कार्रवाई को अंजाम देते हुए तीनों वकीलों को रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के डीएसपी राजेश जांगड़ ने बताया कि थानाधिकारी पाटन व उसके रीडर की भूमिका की भी जांच की जा रही है। सदर थाना क्षेत्र के मुंडवाड़ा गांव के पास एक बोलेरो गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल दंपत्ति को गंभीर अवस्था में श्री कल्याण चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां दोनों की देर रात मृत्यु हो गई। फिलहाल पुलिस ने शवों का पंचनामा करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। सीकर के सदर थाना इलाके में एक गोदाम से हजारों रुपयों का सामान चोरी होने का मामला सामने आया है। जी हां, चोरी की यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसमें एक चोर गाड़ी लेकर आता दिखाई दे रहा है। फिलहाल सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर इस फुटेज के आधार पर ही आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चुरू के बीदासर नगर पालिका कार्यालय में पालिका अध्यक्ष सीताराम भुबरिया की अध्यक्षता में प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान विधायक मेघवाल ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि पट्टा बनाने को लेकर सरकार द्वारा 31 मार्च तक विशेष छूट दी गई है, जिससे आम जन अधिक से अधिक पट्टे बनवाकर इस अभियान का लाभ ले सके। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।